भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत से राजा महाराजाओं के महल हैं। आज हम आपको एक ऐसे महल के बारे में बता रहे हैं जो ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि प्लास्टिक की बोतल से बनकर तैयार हुआ है। हैरान रह गए ये बात जानकर। आपने बहुत से महल देखे होंगे और वो सभी ईंट और रेत से बने होंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, प्लास्टिक का महल। आज हम आपको इस प्लास्टिक के महल के बारे में बताने जा रहे हैं। कई लाख टन प्लास्टिक हर साल समुद्र में बहकर चली जाती है, लेकिन प्लास्टिक की बोतलों को दोबारा इस्तेमाल में लेते हुए कनाडा के एक रिटायर्ड व्यक्ति ने पनामा में इनसे प्लास्टिक का महल बना डाला। ये अजीब सी लगने वाली इमारत किसी मध्ययुगीन किले जैसी दिखती है। पनामा में इस्ला कोलोन की ट्रॉपिकल इलाके में करीब 40,000 पुरानी बोतलों से बनी इस इमारत का मकसद है प्लास्टिक कचरे की ओर ध्यान दिलाना। इमारत की बाहरी दीवारों पर ऐसी कला रची गई है जो दुनिया भर के सागरों में बढ़ते प्लास्टिक के कचरे की ओर ध्यान दिलाती है। हर साल बनने वाले करीब 30 करोड़ टन प्लास्टिक का एक बहुत ही छोटा हिस्सा रिसाइकिल किया जाता है। कनाडा के रॉबर्ट बजाओ करीब 9 साल पहले रिटायर होकर पनामा पहुंचे। एक बार द्वीप के एक वॉलंटियर प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए उनका ध्यान वहां पैदा हो रहे कचरे पर गया। इसी के साथ प्लास्टिक कचरे के साथ उनका काम शुरू हुआ। हर साल प्रकृति के खजाने से लबालब पनामा को देखने यहां हजारों टूरिस्ट पहुंचते हैं। यहां मैनग्रोव जंगल है तो साफ पानी के बीच भी, लेकिन कचरे के सही निपटारे की व्यवस्था नहीं होने के कारण अक्सर प्लास्टिक यहां आ पहुंचता है। करीब 15 लाख प्लास्टिक बोतलों का कचरा इस छोटे से रडवर्ग किलोमीटर के द्वारा पर पैदा होता है। रॉबर्ट केवल पानी वाली बोतलें इकट्ठा करते हैं और उनसे इमारत बनाते हैं। बाकी तरह की बोतलों में काफी तेल होता है जो आग पकड़ सकती है। पिंजरे जैसी संरचना के भीतर भरी प्लास्टिक बोतलें, ये ढांचा स्टील और तारों का बनता है और फिर उस पर सीमेंट की परत चढ़ाई जाती है। दीवार की हर यूनिट में करीब 300 प्लास्टिक बोतलें लग जाती है। तिकोनी खिड़कियों का पैटर्न अलग है। एक साधारण बंगला बनाने में करीब 14,000 बोतलें लग जाती हैं। रॉबर्ट यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, जहाँ लोगों को प्लास्टिक बोतल के कचरे जैसे सस्ते मॉल से ऐसी बनाना सिखाया जा सके। बोतल के अंदर की हवा इमारत को गर्म होने से बचाती है। प्लास्टिक के किले का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। 2017 के अंत तक ये पूरा हो जाएगा, फिर ये एक हॉलीडे रिजॉर्ट के रूप में इस्तेमाल होगा। रॉबर्ट ने सोचा है कि इससे होने वाली कमाई के एक हिस्से को भी वे ट्रेनिंग सेंटर में लगाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।